हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं शांति गियर स्टॉक के बारे में। ये जो स्टॉक है इसने फ्राइडे के सेशन में बहुत ही अच्छी अप ट्रेंड रैली यहाँ पे दिखाई है। 28.95 पॉइंट्स के गेन हासिल करके इसकी जो लेटेस्ट क्लोजिंग है वो हुई है 235 पे। चार्ट पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे बहुत बढ़िया इसने चार्ट ब्रेकआउट भी दिया है। तो यहाँ पे हमारे सपोर्ट कौन से और टारगेट क्या है इसके बारे में भी हम हमारे टेक्निकल एनालिसिस में बात करने वाले हैं। तो देखिए, ऑटो पार्ट्स जो सेक्टर है इससे ये कंपनी बिलोंग करती है। मोस्टली इनका गियर और गियर बॉक्सेस रिलेटेड बिजनेस है। स्मॉल कैप कंपनी है। मार्केट कैपिटल इसका 1803 करोड़ का। पीई रेशियो इसका अभी भी कम है, 89.44 अगर हम कंपेयर करते हैं इसके सेक्टर पीई के साथ जो है अभी 517.32 का। कंपनी के फाइनेंशियल्स देख लेते हैं। तो देखिए, 2019 से लेकर 2021 तक अगर हम यहाँ पे कंपैरिजन करें तो टोटल रेवेन्यू इसका घटकर अभी हो गया है 223.81 करोड़। ईबीटा भी इनका घटकर 35.17 हो गया है। नेट इनकम भी यहाँ पे 20.17 यानी कि कम ही हुआ है। और ईपीएस भी घटकर अभी हो गया है 2.63। मतलब कंपनी का अगर हम फाइनेंशियल देखें ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तो 2019 से लेकर 2021 तक यहाँ पे फाइनेंशियल इंप्रूवमेंट नजर नहीं आ रहे हैं। कंपनी का फाइनेंशियल यहाँ पे फिसलते हुए दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे क्वार्टरली जो इनका फाइनेंस है वो भी देख लेते हैं। तो देखिए, क्वार्टरली अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो जून 2021 से लेके दिसंबर 2021 तक इनका जो टोटल रेवेन्यू है यहाँ से इनकी इंप्रूवमेंट नजर आ रही है। मतलब 6907 से बढ़कर अभी ये हो गया है 97.20 करोड़। ईबीटा भी देखिए 14 से बढ़कर हो गया है 19.84 करोड़। नेट इनकम 8.58 से बढ़कर 13.77 करोड़ हो गया है। और ईपीएस भी 1.12 से बढ़कर हो गया है 1.79। मतलब यहाँ पे भले ही ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इनका जो फाइनेंशियल ग्राफ यहाँ पे नीचे की तरफ दिख रहा है, लेकिन जून क्वार्टर से लेकर दिसंबर तक अगर हम देखते हैं क्वार्टरली रिजल्ट तो यहाँ पे बहुत अच्छा हमें इंप्रूवमेंट नजर आ रहा है। और यहाँ पे बढ़त भी इनके फाइनेंस में दिखाई दे रही है। हो सकती है आने वाले जो क्वार्टरली रिजल्ट है यहाँ पे भी हमें बहुत अच्छी इंप्रूवमेंट नजर आ सकती है। शेयर होल्डिंग पैटर्न की अगर हम यहाँ पे बात करें तो देखिए 70.47% यहाँ पे प्रमोटर की हिस्सेदारी है। बहुत ही अच्छा यहाँ पे प्रमोटर का होल्डिंग है जो कि यहाँ पे कंपनी पे ट्रस्ट दिखाता है। प्रमोटर का यहाँ पे कोई प्लेज नहीं, जो कि एक पॉजिटिव बात है। म्यूचुअल फंड्स यहाँ पे 0.07%, DII 0.81, FII 2.91% और रिटेल एंड अदर्स यहाँ पे 25.74% की हिस्सेदारी लेकर चल रहे। अब देखिए, यहाँ पे फॉरेन इंस्टीट्यूशन ने अपने जो हिस्सेदारी है 3.07% से घटाकर कर दी है 91%। लेकिन अगर हम यहाँ पे म्यूचुअल फंड्स देखें तो दिसंबर क्वार्टर से उन्होंने अपनी जो हिस्सेदारी बढ़ाकर कर दी है 0.07%। और उसी के साथ अगर हम DII देखते हैं तो उन्होंने भी 0.73 से बढ़कर कर दी है यहाँ पे 0.81% की हिस्सेदारी। अब यहाँ पे कंपनी के बारे में भी जान लेते हैं। तो देखिए, कंपनी जो है शांति गियर ये बिजनेस करती है डिजाइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग, सप्लाई और सर्विसिंग ऑफ गियर्स और गियर बॉक्सेस का। इनके अगर प्रोडक्ट पोर्टफोलियो देखें तो इनके जो प्रोडक्ट्स हैं वो है गियर, गियर बॉक्सेस, गियर मोटर्स और गियर असेंबलीज। और इनकी चार मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है और उसी के साथ वन फाउंड्री डिवीजन है यूनिट जो कि तमिलनाडु में बेस्ड है। ज्योग्राफिकल रेवेन्यू ब्रेकअप अगर हम देखते हैं तो 95% इनका जो रेवेन्यू है वो इंडिया से आता है और बाकी का जो 5% का जो रेवेन्यू है वो आता है अमेरिका, यूरोप और बाकी कंट्रीज से जहाँ पे ये अपने जो प्रोडक्ट है एक्सपोर्ट करते हैं। कंपनी ने 2013 में यहाँ पे मुरुगप्पा जो ग्रुप है इसका एक्विजिशन कर लिया था जिसमें इनका इन्वेस्टमेंट था ऑलमोस्ट 450 करोड़ का। तो ये तो हो गई यहाँ पे कंपनी के फाइनेंशियल्स और फंडामेंटल्स के बारे में बात। कंपनी के स्ट्रेंथ की अगर हम बात करें तो देखिए यहाँ पे ईपीएस ग्रोथ बहुत बढ़िया यहाँ पे नजर आ रही है। स्टॉक जो है इसने 52 वीक हाई बनाया है। उसी के साथ क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे इनके नेट प्रॉफिट और प्रॉफिट मार्जिन में भी ग्रोथ है। कंपनी का जीरो डेप्ट है और उसी के साथ पिछले दो क्वार्टर से कंपनी के रेवेन्यू यहाँ पे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। कंपनी का जीरो प्रमोटर प्लेज है और एक मंथ में ही 20% से भी ज्यादा स्टॉक्स ने गेन हासिल किए हैं। और यहाँ पे जो प्राइस है उसमें स्ट्रॉन्ग मोमेंटम नजर आ रहा है। वीकनेस की अगर हम बात करते हैं तो आरओई आरओए जो है पिछले दो साल से घटते हुए नजर आ रहा है और इनका जो नेट प्रॉफिट है वो भी पिछले दो साल से डिक्लाइन दिखा रहा है। रिटर्न रेशियोज में देखिए आरओई 8.50 है, आरओसीई 10.88 और आरओए 6.19। ये पिछले साल से अगर हम कंपेयर करते हैं तो यहाँ पे थोड़ी बहुत घटत हुई है। जैसे कि हमने फाइनेंशियल्स देखे हैं एनुअल बेसिस पे यहाँ पे फाइनेंशियल्स घटते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पे अगर हम सीएजीआर की बात करें तो पिछले तीन साल का सीएजीआर यहाँ पे माइनस हो गया है -15.99 जबकि पिछले साल ये 5.79 था। अब हम यहाँ पे बात करते हैं टेक्निकल चार्ट के बारे में। तो यहाँ पे मैंने इसका डेली चार्ट ओपन किया है। तो देखिए, डेली चार्ट में जैसे कि आप देख रहे हैं ये जो ट्रेंड लाइन है एक रेजिस्टेंस का काम कर रही थी और इसका बहुत बढ़िया यहाँ पे ब्रेकआउट नजर आ रहा है। जिस तरीके की ये स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी है, एक मारा बोजू
ग्रीन कैंडल यहाँ पे नजर आ रही है, और इसने इसका ब्रेकआउट देने के बाद यहाँ पे इसकी क्लोजिंग भी 235 के आसपास दी है। मतलब ये जो ब्रेकआउट है ये यहाँ पे सस्टेन हुआ है, जो कि यहाँ पे स्ट्रेंथ नजर आ रही है। अगर हम वॉल्यूम देखते हैं तो यहाँ पे वॉल्यूम भी बहुत बढ़िया है। अब देखिए स्टॉक जो है यहाँ पे हमारा 20 मूविंग एवरेज, 200 मूविंग एवरेज और ये जो हमारी रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन थे उसके ऊपर यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। अगर हम चार्ट पैटर्न की बात करते हैं तो ये जो स्टॉक है इसने यहाँ पे एक राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन किया, और उसके बाद इसने एक दूसरा छोटा राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन करने के बाद ये यहाँ पे ब्रेकआउट दिया। अगर चार्ट पैटर्न की अगर हम बात करें तो इसने एक कप एंड हैंडल का पैटर्न बनाया, और जैसे इसकी जो नेकलाइन है इसका ब्रेकआउट हुआ है उसके बाद यहाँ पे बहुत बड़ी तेजी आते हुए नजर आई है। तो देखिए इसने इसके पहले भी एक ब्रेकआउट देने की कोशिश की लेकिन फिर से फिसलते हुए इसने 20 मूविंग एवरेज का सहारा लिया और यहां से फिर से एक ब्रेकआउट दिया, और इस बार का जो ब्रेकआउट है ये यहां पे सस्टेन होते हुए नजर आ रहा है। तो जिन लोगों ने यहां पे अपनी इन्वेस्टमेंट करके रखी है उन्होंने तो इसको होल्ड करके रखना चाहिए। हमारा जो यहां पे सपोर्ट है वो ऑलमोस्ट 190 के आसपास है। देखिए अभी ये जो रेजिस्टेंस है यहां पे जो रेजिस्टेंस का काम कर रहा था अब यहां पे सपोर्ट का काम करेगा, और ये जो स्टॉक है जैसे कि आप देख रहे हैं कंटिन्यूअसली यहां पे 20 मूविंग एवरेज को सपोर्ट लेते हुए अप ट्रेंड की जर्नी जो है ये कंटिन्यू कर रहा है। तो यहां पे हमारे लिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट यहाँ पे 180 का है, और ये जो मैंने एक ट्रेंड लाइन बना के रखी है ये बहुत ही अच्छा सपोर्ट का काम कर रही है। तो जब तक ये हमारी ट्रेंड लाइन इंटैक्ट है, मतलब स्टॉक जो हमारा इसके ऊपर ट्रेंड कर रहा है, तब तक चिंता की कोई बात नहीं। स्टॉक जो है इसमें आगे बहुत अच्छा अप ट्रेंड दिखाई दे सकता है। अगर हम यहाँ पे टारगेट की बात करें तो देखिए यहाँ पे जैसे कि हमने बताया हमारे लिए एक सपोर्ट बहुत अच्छा है वो है 180 का, और उसके बाद जो अगर हम टारगेट की बात करें हो सकता है ये जो स्टॉक है यहाँ पे एक रीटेस्ट करे, और रीटेस्ट के बाद जो अपनी अप ट्रेंड जर्नी है ये अगर कंटिन्यू करता है तो हमारे आने वाले जो यहाँ पे टारगेट है वो रहेगा 260 का। अगर ये स्टॉक 260 यहाँ पे सस्टेन करता है तो उसके बाद 280 के टारगेट भी यहाँ पे अचीव होते हुए नजर आ सकते हैं। तो ये तो हो गया डेली चार्ट की बात। एक बार हम यहाँ पे वीकली जो चार्ट है वहाँ पे भी नजर डाल देते हैं। तो देखिए यहाँ पे वीकली चार्ट पे ये जो मैंने एक रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन बना के रखी है कंसिस्टेंटली ये यहाँ पे सेलिंग प्रेशर का काम कर रही थी, और ये जो स्टॉक है यहाँ से ही भारी गिरावट हमें दिखाई दे रहा था। अब यहाँ पे देखिए ये जो चार्ट स्ट्रक्चर है यहाँ पे इसने राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन बनाया, यहाँ पे एक ब्रेकआउट देने की कोशिश की लेकिन ये सस्टेन नहीं हुआ। लेकिन जैसे कि हमने देखा ये हमारी जो सपोर्ट ट्रेंड लाइन है यहाँ से एक सपोर्ट लेते हुए ये जो स्टॉक है इसने अपनी अप ट्रेंड जर्नी कंटिन्यू की है। मतलब जिन लोगों ने यहाँ पे लॉन्ग टर्म के हिसाब से इस स्टॉक में यहाँ पे निवेश किया है, जब तक ये हमारा स्टॉक ये जो ट्रेंड लाइन है उसके ऊपर ट्रेड कर रहा है आप इसमें इन्वेस्टेड रह सकते हैं। और जैसे कि हमने हमारे टारगेट बताए हैं 260 से लेकर 280 के टारगेट भी यहाँ पे अचीव होते हुए नजर आ सकते हैं। अगर ये स्टॉक आपको डिप पे मिलता है तो यहाँ पे बहुत ही अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगी नए इन्वेस्टर के लिए, और हमारे लिए सपोर्ट जो है वो रहेगा यहाँ पे 180 का। अब अगर हम यहाँ पे इंडिकेटर्स की बात करते हैं वीकली चार्ट में, तो देखिए यहाँ पे इसने क्या किया है, ये जो हमारा 20 मूविंग एवरेज है इसने 200 मूविंग एवरेज का यहाँ पे क्रॉसओवर कर दिया, जो कि यहाँ पे बुलिश अप ट्रेंड यहाँ पे इंडिकेट करता है। उसी के साथ देखिए यहाँ पे एमएसडी में भी इसने बुलिश क्रॉसओवर किया है। वीकली चार्ट पे यहाँ पे हमारा आरएसआई जो है एग्जैक्टली इसने 60 जो है इसको क्रॉस करते हुए ये यहाँ पे 70 के आसपास ट्रेड कर रहा है। मतलब जितने भी यहाँ पे इंडिकेटर है हमारा जो स्टॉक है 20 मूविंग एवरेज 200 मूविंग एवरेज के ऊपर यहाँ पे ट्रेड कर रहा है, एमएसडी बुलिश क्रॉसओवर हो गया है, आरएसआई ने भी 60 क्रॉस कर दिया है। मतलब सारे इंडिकेटर यहाँ पे पॉजिटिव बता रहे हैं और ये जो बुलिश अप ट्रेंड है यहां से कंटिन्यू होते हुए दिखाई दे सकता है। मार्केट अभी थोड़ा बहुत चौपी है तो इसमें वोलेटिलिटी ज्यादा रहेगी, लेकिन अगर आपका यहां पे नजरिया लॉन्ग टर्म के हिसाब से है तो आप इसमें बने रह सकते हैं, और यहां पे अगर डिप मिलता है तो वहां पे एक बहुत अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी आपके लिए रह सकती है। तो ये तो रहा हमारा रिसर्च और एनालिसिस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और अगर हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।